नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564503096906089745235 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सत श्री अकाल, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सबका मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और आज के अपने इस वीडियो में हम पॉलिटी लिस्टिंग के पार्ट 5 को देखने वाले हैं। और मैं आप सभी से आशा करती हूँ जितने भी पार्ट्स अभी इस बायलैंग्वल में जो आ चुके हैं पॉलिटी के, वो आप देख चुके होंगे बेहतर तरीके से और यहाँ पर आप पूरी ऑनेस्टी के साथ उनको देखने के बाद ही आए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस इंटरेस्टिंग सेशन को। पहले देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया दिया गया, यानी कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन कौन रह चुके हैं, उनका टेन्योर के बारे में दिया गया है। तो बेसिकली इसमें जो रिसेंटली है और जो स्टार्टिंग के 5 हैं, टॉप 5 में हम देखते हैं, जैसे सुकुमार सेन हो गए, वो 1950 से 1958 तक का उनका टेन्योर रहा था। फिर केवीके जो सुंदर रमन है, उनका कार्यकाल 1958 से 67 तक का रहा था। एस बी सेन वर्मा का 1967 से 1972 तक का कार्यकाल था। वहीं देखते हैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी का कार्यकाल कब से कब तक का था, इसमें 1972 से 1973 तक इनका जो है टेन्योर रहा था। वहीं टी स्वामीनाथन का 1973 से 77 तक। वहीं आरबीएस जो पेरी शास्त्री है, उनका 1986 से 1990 तक। एमएस गिल का 1996 से 2001 तक रहा था। वहीं हम देखें अभी रिसेंट की अगर बात करें तो ओम प्रकाश रावत जी का 2018 में जो उनका है टेन्योर रहा। इसके बाद सुनील अरोरा जी का, वो चुनाव आयुक्त कब तक रहे थे वहां पर, 2018 अप्रैल से 2021 तक। वहीं सुशील चंद्रा जो हम वर्तमान में देखते हैं 13 अप्रैल 2021 से वर्तमान तक ये बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में यहां पर बताया गया है कि कब कब कौन नियुक्त हुआ। जैसे सर रॉस वार्कर है, वो 1926 से 32 के बीच में नियुक्त हुए थे। वहीं देखेंगे सर डेविड पेट्री जो है वो 1932 से 36 के बीच में हुए थे नियुक्त। सर आईरी गोर्डन जो गॉर्डन है वो 1936 से 1942 के बीच में यहां पर इनका टेन्योर रहा था अध्यक्ष के रूप में यूपीएससी में। सर एफ डब्ल्यू रॉबर्टसन जो है वो 1942 से 47 के बीच में। एच के कृपलानी 1947 से 49 के बीच में। आर एन बनर्जी 1949 से 1955 के बीच में जो है ये अध्यक्ष बने हुए थे, ठीक है। इसी तरह और भी कई नाम दिए गए हैं यहाँ पर। और अगर हम थोड़े से और बीच में जो इम्पोर्टेंट है जिनके बारे में पूछा जा सकता है जैसे कभी कभी, जैसे सुबीर दत्ता हो गए, वो 2007 से 8 के बीच में इनका टेन्योर रहा है। वहीं देखते हैं हम अलका सिरोही का 2016-17 में। डेविड किसके बारे में कह रहा है यहाँ पर, डेविड सिया मिली ही का जो है वो 2017 से 18 के बीच में। वहीं अगर हम लेटेस्ट में कुछ देखें तो जैसे अरविंद सक्सेना जी का 2018 से 2020 तक अभी रहा था। इसके बाद हम देखते हैं प्रदीप कुमार जोशी का जो है वो 2020 से लेकर, देखिए यहाँ पर 4 अप्रैल 2020 तक का इनका कार्यकाल यहाँ पर रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो देखेंगे अभी 32 जो है 32वें जो है यूपीएससी के अध्यक्ष है यहाँ पर, ठीक है, समझ के ना, यूपीएससी के अध्यक्ष है यहाँ पर। इसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, देखिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वही चीजें लेकर आए हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात कर रहा है। तो चलिए हम पहले थोड़ा सा महालेखा जो परीक्षक है उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए कैग बेसिकली इनको बोला जाता है ना कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। संविधान में इनका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 148 से लेके 151 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से आपको यहाँ पर जो मिलेगा प्रावधान मिलेगा इनके बारे में। इसमें क्या है कि ये लोक वित्त के संरक्षक और लेखा परीक्षक व लेखा विभाग के मुखिया होते हैं। और साथ में आप देखेंगे कि इसका जो नियंत्रण है वो केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर पाया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में क्या था कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा भी दी थी, तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसके बाद आप देखेंगे जो कैग है अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुरूप जो है शपथ लेते। देखिए थर्ड अनुसूची का बार बार नाम आ रहा है, अगर आपने पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं मेरे तो उन पुराने पार्ट्स को जो अभी लाए गए हैं उनको देख सकते हैं। तो उसमें क्या कहा गया, तीसरी अनुसूची में इनके शपथ को जो है शपथ के प्रारूप के बारे में दिया गया है और उस पर वो अपने हस्ताक्षर करेंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, इनका कार्यकाल जो है 6 साल के लिए, 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक रहता है। और अगर इनको त्याग पत्र देना होता है ये राष्ट्रपति को दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें छोटी छोटी चीजें हैं जो
जैसे अपने पद पर जब ये नहीं रहते तो अपने पद पर ना रहने के बाद गवर्नमेंट की जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी और पद पर ये पात्र नहीं हो सकते। मतलब अगर ये एक बार कैग बन चुके हैं तो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और पद पर ये नहीं रह सकते हैं। क्लियर हो गया है। देखिए फिर इसके बाद इनका जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया होती है उसी के समान इनको भी हटाया जाता है और संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ इनके अगर दुर्व्यवहार या अयोग्यता के आधार पर प्रस्ताव पास करके इनको हटाया जा सकता है। ये रही मोटी मोटी बात कैट के बारे में। चलिए अब कौन कब किसका कार्यकाल रहा है। जैसे वी नरहरी राव का 1948 से 54 के बीच में, ए के चंदा का 54 से 60 के बीच में ये रहे हैं कैग, श्री ए के रॉय 60 से 66 के बीच में, एस रंगनाथन जी 66 से 72 के बीच में, ए वक्षी 1972 से 78 के बीच में, ज्ञान प्रकाश 1978 से 84 के बीच में। फिर यदि हम यहाँ पर अगर थोड़े से लेटेस्ट डाटा देखें जैसे विनोद राय 2008 से 2013 के बीच में, शशिकांत शर्मा 2013 से 14 के बीच में, राजीव मेहर ऋषि जो है 2017 से अगस्त 2020 के बीच में ये जो है इनका टेन्योर रहा है। इसके बाद श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जो है अभी 14th नंबर के कैग हैं ये और 8th अगस्त 2020 को यहां पर चुने गए थे कैग के रूप में कैग में। इसके बाद क्या है कि इनके जो है अभी तक इनका कार्यकाल चल रहा है वर्तमान में। ठीक है, यहां पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी के बारे में यहां दिया क्या है, तो चलिए पहले से थोड़ी झलक देख लेते हैं इनके बारे में, है ना। आप देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद की व्यवस्था की गई है और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होती है अटॉर्नी जनरल की। उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जिसमें अटॉर्नी जनरल में उनमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की नियुक्ति के लिए होती है। दूसरे शब्दों में कहें कि उनके लिए आवश्यक है कि वे भारत के नागरिक हों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 ईयर्स का उनके पास एक्सपीरियंस हो या फिर हाईकोर्ट के वकालत का 10 वर्ष का इनके पास अनुभव हो और राष्ट्रपति के अनुसार वह न्यायिक मामलों के योग्य व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा संविधान में उसको हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। किसको? अटॉर्नी जनरल को हटाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई हमारे संविधान में। वे अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रह सकते हैं। ये रही मोटी मोटी चीजें। देखते हैं अब देखिए यहाँ पर ये छोटी छोटी जो लाइंस मैं आपको समझा रही हूँ बोल रही हूँ वो किस लिए है, वो इसलिए है कि अगर आपने नहीं रिवाइज किया तो जाके रिवाइज करिए पहले, ताकि अगर ऐसी कोई चीजें आती है तो आपको दिमाग में क्लिक हो कि भाई महान्यायवादी कौन होता है, एटलीस्ट उनके अनुच्छेद के बारे में तो हमें पता हो किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल में कैसे क्या मेंशन किया गया है ना। चलिए अब देखिए इसमें कौन पहला नाम किसका है, एमसी सेतालवाद जो है किसका बात की गई, एमसी चीतलवाड़ जो है उनका कार्यकाल 1956-63 के बीच में रहता है। सी के जो है हमारे दफ्तरी है 1966 में उनका कार्यकाल, 1963 में उनका कार्यकाल रहा। नीरेन डे जो आप देखेंगे 1968 से 77 के टाइम पे इनका जो टेन्योर रहा था, एस डी गुप्ता का 1977 से 78 के बीच में। इस तरह के और भी नाम दिए गए। अगर हम रिसेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए रिसेंट में जैसे 2014-17 की अगर बात करें तो मुकुल रस्तोगी जो है रोहतगी जो है 2014-17 में जो वो रहे थे अटॉर्नी जनरल रहे थे। वहीं लेटेस्ट में अगर हम बात करें के जो वेणुगोपाल जी 2017 से अब तक अपने पद पर बने हुए हैं, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन, अब देखिए राष्ट्रीय आयोग जो रहे हैं ना उनके अध्यक्ष, राष्ट्रीय आयोग में क्या देखेंगे जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें, कमीशन की बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात की जाएगी। वहीं आगे आप देखेंगे तो यहां पर आपको बात की जाएगी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स की बात की जाएगी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की बात की जाएगी। तो ये सब आपके क्या है यहाँ पर नेशनल कमीशन्स हैं। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं, फिर हम इनको देखते हैं कि किसका कब तक का जो है टेन्योर रहा था। समझ आ रहा है ना आपको अच्छे से। चलिए देखिए पहले किसका दिया गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात की गई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इनका गठन बेसिकली आप देखेंगे मानवाधिकार संरक्षण जो अधिनियम आया था 1993 में उसके तहत किया गया था और यह एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है। थोड़ी देर पहले या फिर मैंने एक वीडियो में पहले आपको बताया था कि सांविधिक और संवैधानिक निकाय में डिफरेंस आप बताइएगा, यहां पर आया है तो फिर से मैं जिक्र करती हूं कि सांविधिक और स्वायत्त निकाय में क्या डिफरेंस होता है। मैंने कई बार वीडियोज में इसका जो है जिक्र किया है, आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, अगर आपको पता है तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्या है कि सांविधिक है, इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को संसदीय अधिनियम के माध्यम से किया गया था। आप देखेंगे कि यह अधिनियम की धारा 12(1)(d) में मानव अधिकारों को संविधान के द्वारा जो गारंटी और अंतर्राष्ट्रीय संविधानों में दिया गया है कि भारत में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय व्यक्ति के अधिकारों के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि
आप देखेंगे जो मानवाधिकारों आयोग का गठन हुआ है उनका काम ही है कि मानव के जो ह्यूमन राइट्स हैं मतलब मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए इसको बनाया गया था। यहाँ पर और क्या कह रहा है कि इसमें क्या क्या चीजें आप ध्यान दे सकते हैं कि इसका जो कार्यालय है बेसिकली दिल्ली में है और ये आयोग उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जिन्हें गठित हुए एक साल से कम समय हुआ हो, तो ध्यान रखिएगा इन छोटी छोटी चीजों का। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या कैसे क्या रहेगा, जैसे इनके अध्यक्ष कौन होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या फिर न्यायाधीश रहा हो, इसमें एक सदस्य जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो और एक सदस्य जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति रहे हों उसके ही सदस्य होंगे, और तीन मानवाधिकारों से संबंधित विषय के जो जानकार हैं व्यवहारिक जिनको अनुभव है रखने वाले सदस्यों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, और भी चीजें हैं लेकिन अभी यहां पर जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं ह्यूमन राइट कमीशन में कौन कौन था, कौन कौन से जो है इसमें अध्यक्ष रहे हैं और उनका कार्यकाल क्या है। जैसे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा का जो 1993 से 1996, जस्टिस एम एन वेंकट चलैया का 1996 से 1999 तक, जस्टिस जे एस वर्मा का 1999 से 2003 तक, जस्टिस ए एस आनंद का 2003 से 2006 तक का कार्यकाल था, जस्टिस शिवराज वी पाटिल का 2006 से 2007 यानी कि कार्यकारी यहां पर अध्यक्ष रहे थे। आगे बाकी हम देखते हैं यहाँ पर 11th में देखते हैं अरुण कुमार मिश्रा का यहाँ पर जो है कार्यकाल जो कब से कब तक कर रहा है 2 जून 2021 जो अभी भी वर्तमान में ये बने हुए हैं। ठीक है, हमको यहाँ पर ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजें जो इसमें दी गई हैं। चलिए हो गया ना ये। अब देखिए आगे देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यहाँ पर दिया गया यानी कि राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा जानना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन जो है इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग एक्चुअल होता क्या है। देखिए ये क्या है, एक संवैधानिक जो है ये संवैधानिक निकाय है और इसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस और आधिकारिता मंत्रालय के अधीन भारत के संविधान में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 338B के तहत एक ये संवैधानिक निकाय है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है कि 123rd जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें लोकसभा से मंजूरी दी गई और संसद के दोनों सदन मतलब संसद के दोनों जो हाउसेज हैं उनके द्वारा पारित किए जाने के बाद 102 अमेंडमेंट के द्वारा इसको बनाया गया इस अधिनियम को, जिसके द्वारा आर्टिकल 338 में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, वही 338B एक नया खंड जोड़ा गया जिसमें आप इसको देखा जाता है। ठीक है, ये सब चीजें होगी। इसका देखिए गठन आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या, एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, तीन सदस्यों सहित एक सचिव भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इसकी सेवा शर्तें क्या है कि संविधान संशोधन के बाद जो है राष्ट्र पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का कार्यकाल और सेवा की शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियमानुसार तय कर दी गई है। ठीक है, अब ये सब चीजें हो गई। चलिए अब देखते हैं पहला क्या नाम है, जस्टिस आर एन प्रसाद 1993 से 1996 तक का इनका टेन्योर था, जस्टिस श्याम सुंदर का 1997 से 2000 तक का था, जस्टिस एस रत्न वेल पांडियन का जो 2006 से 2009 तक का था, लेटेस्ट की बात करें तो डॉक्टर भगवान लाल सहनी का 2016 से टिल अब तक यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात की गई है। देखिए जो नेशनल कमीशन फॉर जो वुमेन्स है इसमें भी क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है, एक सांविधिक निकाय है और इसका गठन जो हुआ था जनवरी 1992 में महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाने के लिए यानी कि वुमेन्स एम्पावरमेंट को और प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग को अधिनियम 1990 के तहत इसका गठन किया गया। और इसमें देखेंगे जैसे यहां पर लिखा है कि आयोग की पहली अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक थी। ठीक है, भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस आयोग का नोडल मंत्रालय है, तो पूछा जाता रहा है ये प्रश्न काफी बार कि भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास इस आयोजन का जो है इस आयोग का क्या है नोडल मंत्रालय है और इसका उद्देश्य क्या है, बेसिकली वही है वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करता है, महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना और इसमें उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करते हुए शिकायतों के निवारण में वृद्धि करना है, साथ ही महिलाओं को प्रभावित करने वाले मामले जो केसेस हैं उसके लिए सरकार को नीतिगत सलाह भी इसमें देना होता है। इसमें बेसिकली एक अध्यक्ष होता है, पांच सदस्य होते हैं, उन पांच सदस्यों में आप देखेंगे तो एक पर्सन जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए और एक सदस्य सचिव होता है। अध्यक्ष सदस्य और सचिव का नामांकन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ही इसमें किया जाता है। इसके वेतन भत्ते पेंशन या जो सर्विस की कंडीशन है उनका निर्धारण केंद्र सरकार कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा तय किया जाता है। इनका कार्यकाल 3 साल तक का होता है। क्लियर हो गया है। चलिए पहला इसमें बता दिया आपको डॉक्टर वी मोहिनी गिरी जो है 1995 से 1998 तक का इनका कार्यकाल रहा था। फिर अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो रेखा शर्मा 2018 से टिल द डे अभी तक बने हुए हैं। इसके बाद आप देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या है। देखिए इसके बारे में क्या है कि ये आयोग जो अधिनियम आया था 1992 के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1993 में किया गया है और अल्पसंख्यक शब्द को देखिए मैंने दो तीन शब्द हैं बताए हैं आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो है मेंशन्ड है लेकिन उनकी परिभाषा नहीं दी गई, जैसे अल्पसंख्यक शब्द गढ़ा गया है लेकिन उसको परिभाषित हमारे संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि अल्पसंख्यकों को अधिसूचित यहां पर कर सकते हैं। क्लियर है।
चलिए देखिए, इसमें पहला नाम जस्टिस मोहम्मद सरदार अली खान 1993 से 1996 तक का, प्रोफेसर ताहिर मोहम्मद का 1996 से 1999। अब अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो इसमें सरदार इकबाल सिंह लालपुरा का सितंबर 2021 से अब तक का कार्यकाल इनका बना हुआ है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की यहाँ पर बात की गई, किसकी बात की गई है यहाँ पर देखिए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात की गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर संथा जो सिन्हा है वो 2007 से 2010 तक का इन्होंने कार्यभार संभाला था। और हम लेटेस्ट में अगर बात करें तो प्रियांक कौन है यहाँ पर, प्रियांक कानून को है, वो 2018 से अब तक इस पद पर बने हुए हैं अध्यक्ष के रूप में। ईस्ट वाइल यहाँ पर देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटीज कंबाइंड की बात की गई, यहाँ पर देखिए जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग है उनको कंबाइंड यहाँ पर पेश किया गया है, जिसमें आप देखेंगे लेटेस्ट विजय सोमकार शास्त्री जो है 2004 से, लेटेस्ट तो नहीं कहूंगी मैं, 2002 से 2004 के बीच में इनका नाम यहाँ पर था जो अध्यक्ष थे। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर एससीज की अगर हम बात करें, जो राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग है हमारा, देखिए एससीज की बात करा है ना यहाँ पर, तो आप देखेंगे इनका जो हमारे संविधान में आर्टिकल 338 के अंतर्गत आपको ये प्रावधान देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध यहाँ पर किया जाता है, वही उसके बारे में पढ़ना है। जैसे सूरज भान जो है 2004 से 16 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था, वहीं आप देखते हैं 2017 से जैन 2020-21 तक राम शंकर किठारिया जो है इनका कार्यकाल रहा है। श्री विजय संपाला का यहाँ पर 2021 फरवरी से 31 जनवरी 2022 तक इनका कार्यकाल रहा है। नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, अब यहाँ पर एसटीज के बारे में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि 338 में मेंशन किया गया था, इसको 338 आर्टिकल में आप इनको इनके बारे में पढ़ सकते हैं। 65th हमारा जो अमेंडमेंट हुआ था 1990 में, उसके द्वारा इसको जो है यहाँ पर लाया गया था इस आयोग को। वही देखेंगे 89th अमेंडमेंट 2003 के द्वारा अनुच्छेद जो 338 में इसको संशोधन करके 338 को यहाँ पर लाया गया था। ये चीज 338 में आपको देखने को मिलेगी, 338 में। चलिए पहला नाम था कुंवर सिंह 2004 से 2007, नंदा कुमार जो लेटेस्ट है 2017 से टिल द डेट ये बने हुए हैं। आइए वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल सिंबल्स अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर, क्या क्या है हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। तो देखिए यहाँ पर नेशनल सिंबल्स में पहला नाम क्या है, नेशनल एम्बलम का यानी कि राज्य चिन्ह की बात की गई, तो ये अशोक के सारनाथ से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं इसमें जो चार, इसके राज्य चिन्ह के निचले हिस्से पर चार छोटे जानवर होते हैं जो घोड़े और सांड हैं, जिसमें घोड़े और सांड जो है वो विजिबल है, जबकि आप एलिफेंट और लॉयन देखेंगे वो विजिबल नहीं है। और इस भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 में इसको जो है अपनाया गया था। राज्य चिन्ह के नीचे खुदा हुआ जो एक सूत्र लिखा है वो किससे, सत्यमेव जयते जो लिखा है वो मंडोक उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं। नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान जो पहली बार जनगण 27 दिसंबर 1911 में आप देखेंगे गाया गया था। इट वॉज अडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 24 जनवरी 1950 में इसको अपनाया गया था। वहीं देखते हैं कि आप इसमें जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली में भी की थी इसकी रचना, और इस गान का हिंदी संस्करण भी है, और इसका पूरे गान को पूर्ण संस्करण अवधि जो है वो 52 सेकंड्स है यहाँ पर, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। नेशनल सॉन्ग हमारा क्या है, राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम और बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा उसको लिखा गया है। नेशनल सॉन्ग हमारा यहाँ पर दिया गया है, इट वॉज द फर्स्ट सॉन्ग 1896 सेशन ऑफ INC, दैट मीन्स आप देखेंगे ये पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 सत्र में गाया गया था, और इसे अरविंदो द्वारा जो है इसका अंग्रेजी प्रतिपादन अरविंदो के द्वारा किया गया था। नेशनल कैलेंडर हम देखते हैं तो राष्ट्रीय दिग्दर्शिका जिसको बोला जाता है, तो ये शक संबत पर आधारित है, इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें चैत्र सामान्य रूप से 30 दिनों तक तथा लीप ईयर 31 ईयर तक होता है, हम सबको पता है यहाँ पर। देखिए अब नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय ध्वज में क्या है, इसमें देखिए राष्ट्रीय ध्वज का जो 22 जुलाई 1947 को इसमें अपनाया गया था, इसकी लंबाई चौड़ाई का जो रेशियो है लेंथ ऑफ विथ का 3:2 है। इसके बाद हम देखेंगे इसके मध्य में पहिया जो है सारनाथ के अशोक में सिंह स्तंभ से बने चक्र से लिया गया है यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन ध्वज संहिता 2002 के द्वारा नियंत्रित किया गया, 26 जनवरी 2002 को इसको लागू किया गया था बेसिकली, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे अदर नेशनल सिंबल्स है, जैसे अन्य राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय पक्षी मोर आ जाता है, राष्ट्रीय फ्रूट मैंगो आ जाता है, बाकी चीजें आती है फ्रूट फ्लावर लोटस है, ट्री यहाँ पर क्या है हमारा ट्री, कौन सा पेड़ है बरगद है, एनिमल टाइगर है, एक्वेटिक एनिमल इज रिवर डॉल्फिन है हमारा, जलीय जीव मीठे पानी का जो डॉल्फिन है, राष्ट्रीय रिवर कौन सी है गंगा है, क्लियर हो गया। अब हम लैंग्वेजेस ऑफ द इंडिया की बात करते हैं, देखिए अब देखेंगे भारत की भाषाओं में इसमें संविधान द्वारा कुछ मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, जो टोटल 22 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 1950 में भारत की संविधान की स्थापना के समय में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी थी उस वक्त में, 1950 के समय पर 14 थी, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे सिंधी को 1967 के 21st अमेंडमेंट के द्वारा अपना लिया गया था। वहीं आप देखते हैं कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मिथाली, डोंगरी, बोडो, संथाली जो है 96th अमेंडमेंट के द्वारा इन सबको जो है इसमें क्या दिया गया 90। इसके बाद देखिए इसमें क्या हुआ था कि अब ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द लैंग्वेज विच वॉर एडेड टू द 8th शेड्यूल आर सिंधी,
देखिए आठवीं अनुसूची में जोड़ी गई भाषाएं सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मैथाली, डोगरो, बोडो, संथाली इत्यादि थी और सिंधी को कब अडॉप्ट किया था 21st अमेंडमेंट 1967 में, 1967 के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था। वहीं भारतीय संविधान में 343 आर्टिकल जो हमारा है 343(1) में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया इज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि भारत की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है जो आर्टिकल 343(1) के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। नागालैंड की राजभाषा क्या है, यहाँ पर देखिए इंग्लिश है, ऑफिशियल लैंग्वेज गोवा इज कोंकणी है। यहाँ पर एक दो चीजें और इम्पोर्टेंट है, जैसे उड़िया वॉज रिनेम एज उड़िया, उड़िया वॉज रिनेम एज उड़िया वाई 96 अमेंडमेंट 2011 में, क्लियर है। चलिए इसके बाद क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल लैंग्वेजेस ऑफ लक्षद्वीप आर जेसेरी, यानी कि लक्षद्वीप की प्रमुख भाषाएं क्या है, जेसेरी और महल है। यहाँ पर ये सारी चीजें देखिए देखते जाइए। इसके बाद देखते हैं, इंग्लिश इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस, यानी कि अंग्रेजी मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में नहीं है। वहीं आप देखते हैं कि इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भाषा की बात की जा रही है, अभी चर्चा में भी कुछ बना हुआ है। जैसे आप देखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखते हैं, इन अक्टूबर 1953 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज फोर्स्ड टू क्रिएट द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट नोन एज आंध्र प्रदेश वाइज सेपरेटिंग द तेलुगु। यहाँ पर देखिए मद्रास स्टेट की इसकी बात की गई है। तो बेसिकली इसमें क्या था कि कांग्रेस पर्सन ऑफ स्टैंडिंग आफ्टर 56 डेज हंगर स्ट्राइक फॉर द कॉज, यहाँ पर क्या हुआ था, एक लंबे समय तक ये बात चलने पर आंदोलन और पोटी श्रीमालू की मृत्यु हो गई और जो 56 के बाद भूखी हड़ताल के बाद खड़े होने वाले कांग्रेसी व्यक्ति बने। और इसमें देखिए तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्र प्रदेश के रूप में मांग की जाने वाला ये पहला भाषाई राज्य के लिए जो है मजबूर होना पड़ा था 1953 में। यहाँ पर सारी चीजें देखिए दी गई हैं ऐसे आंध्र प्रदेश के बारे में। इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ लैंग्वेजेस इन हिंदी, देखिए इसमें इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया की बात की गई, यानी कि भाषा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से जो है संस्थान कहां कहां पर स्थापित किए गए थे, जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इंडियन लैंग्वेज जैसे मैसूर और कर्नाटक में। इसके बाद देखेंगे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहां पर किया गया था, वर्धा महाराष्ट्र में। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी, यानी कि अंग्रेजी और विदेशी भाषा का विश्वविद्यालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान न्यू दिल्ली में, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ न्यू दिल्ली में। वहीं देखेंगे मौलाना आजाद नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट हैदराबाद में। सेंटर फॉर एक्सलेंस ऑफ फॉर स्टडीज इन क्लासिकल तेलुगु नेलोर में किया गया था, किसमें, नेलोर में। केंद्रीय हिंदी जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ हिंदी था आगरा यूपी में किया गया था, यूपी का एग्जाम आ रहा है ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय हिंदी संस्थान जो था आगरा यूपी में किया गया था, ठीक है, इसका गठन। आइए चलिए देखते हैं, लिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत संविधान की जो 8वीं अनुसूची में शामिल जो 22 भाषाएं हैं उनकी सूची यहां पर लिस्ट दी गई है। बेसिकली आपको ध्यान देना, जैसे आर्टिकल 343(1) में क्या है कि विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनली स्पेशली मेंशन दैट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी लिपि में होगी जो आधिकारिक भाषा है संघ की। और वहीं पर कहता है द फॉर्म्स ऑफ द न्यूमेरल्स टू बी यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन शैल बी द इंटरनेशनल फ्रॉम ऑफ इंडियन न्यूमेरल, हिंदी इंग्लिश आर द ओनली टू लैंग्वेजेस मेंशन ऑन द इंडियन पासपोर्ट, ठीक है। इसके बाद देखेंगे द बिजनेस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट कैन ओनली बी ट्रांसेक्टेड इन हिंदी और इन इंग्लिश, इंग्लिश इज अलाउड टू बी यूज इन ऑफिशियल पर्पज सच एज पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, जुडिशियरी, कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। पर 1950 में आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ राजभाषा अधिनियम 1963 की आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया था। देखिए ओरिजिनली यहाँ पर 14 लैंग्वेजेस थी जिसमें आप ये सब लैंग्वेजेस के बारे में देख रहे हैं, यहाँ पर असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, उर्दू और सिंधी को जो है 21st अमेंडमेंट 1967 के द्वारा इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं कि 21st अमेंडमेंट 1967 में सिंधी को इसमें जोड़ा गया। वहीं आप देखेंगे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 के 71st अमेंडमेंट के द्वारा, बोडो, डोंगी, मैथिली, संथाली वर एडेड बाई 92 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। और उड़िया को रिनेम किया गया था, उड़िया कब किया गया था, 96 अमेंडमेंट 2011 में। देखिए स्टेट्स आर नॉट मैंडेटेड टू चूज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रॉम दीज 22 लैंग्वेजेस, शेड्यूल लैंग्वेजेस की यहां पर बात की गई है। देखिए इसमें ये कहा गया था कि राज्यों को इन 22 अनुसूचित भाषाओं में से अपनी आधिकारिक भाषा को चुनने का अधिकार नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखते भाषाई आधार पर बनने वाले जो पहला राज्य था 1953 में आंध्र प्रदेश था, जिसे मद्रास और राज्य के तेलुगु भाषी उत्तरी भागों से बनाया गया था, यहाँ पर वही चीज मेंशन की गई है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या दिया गया, भाषाएं दी गई है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, इसके बाद यहाँ पर लिखा है जो मुख्य रूप से जिस राज्य में बोली जाती है उनके बारे में दिया गया और किस वर्ष में इसको जो है यहाँ पर मान्यता प्राप्त हुई किस भाषा को, वहां पर वो चीजें दी गई है। वही यहाँ पर देखिए सेम वही चीज है यहाँ पर इसके बाद, ठीक है चलिए देखते हैं। जैसे असमी को
असमिया को जो है मुख्य रूप से किस भाषा में बोला जाता है, असम में, और कब से शुरू हुआ था, 1950 में देखिए इसको जोड़ा गया था ऐसे, ठीक है। बंगाली किस भाषा, वेस्ट बंगाल में 1950, तेलुगु आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 1950, उर्दू को नॉर्दर्न इंडिया में, यहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया के मतलब समझ रहे हैं ना आप, इसमें उर्दू के बारे में जो लिखा हुआ है, उत्तरी भारत में 1950, इसके बाद गुजराती गुजरात में 1950 में, इसके बाद आप देखते हैं हिंदी इंडो आर्यन जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में इसको बोला जाता है, कश्मीरी इंडो आर्यन जम्मू एंड कश्मीर में और 1950 में, ये कन्नड़ जो है वो कर्नाटका में, तमिल जो है वो तमिलनाडु पुडुचेरी में। आगे देखते हैं हम इसमें और क्या क्या दिया गया है, जैसे मणिपुरी मणिपुर में 1992 में ये जोड़ा गया था ऐसे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे मराठी जो है वो महाराष्ट्र में 1950 में, उड़िया उड़ीसा में, वही चीज ऊपर बताया था ना उड़िया को, फिर उड़िया वैसे किया गया था भाषा में, ध्यान है 1950 में, पंजाबी पंजाब और चंडीगढ़ में। इसका संस्कृति कहां पर की जाती है, संस्कृति कौन सी भाषा है जो बोली जाती है, देखिए फिर इसके बाद देखेंगे सिंधी जो है वो हमारा बेसिकली कहां पर बोली जाती है, जो सिंधी भाषा है गुजरात राजस्थान और महाराष्ट्र में बिखरी हुई है ये पूरी तरह से। नेपाली सिक्किम पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल में बोली जाती है 1992 में। कोंकणी गोवा पार्ट ऑफ कर्नाटका जो है वो 1992 में इसमें जो है मान्यता प्राप्त हुई थी, इस जो मान्यता प्राप्त वर्ष है ना वहां पर दिए गए हैं किस वर्ष में इसको मान्यता प्राप्त हुई थी। डोंगरी जम्मू हिमाचल प्रदेश में 2003 में, भाषाओं से कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं तो उन्हें ध्यान से देखिएगा, ठीक है। संथाली जो है स्पोकन वाइज संथाल ट्राइब्स इन झारखंड बिहार एंड वेस्ट बंगाल 2003 में इसको मान्यता प्राप्त। देखिए सभी जो जितनी भी 22 भाषाएं हैं उनके बारे में हमने देख लिया, कब कौन सी किस क्षेत्र में बोली जाती रही है, उसको कब जो है वहां पर उसको मेंशन किया गया कि किस ईयर में जो है उसको मान्यता प्राप्त हुई वहां पर उस राज्य में, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, भारत के न्यायालय के बारे में हम देखेंगे, यहाँ पर कोर्ट्स इन इंडिया की बात की जा रही है, ठीक है। हाई कोर्ट्स विद ज्यूरिसडिक्शन इन मोर देन वन स्टेट एंड यूटी, देखिए जिन उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र जो है वो एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में, उनके बारे में हम जैसे थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं यहाँ पर, चलिए थोड़ी सी नजर घुमाइए। और हाईकोर्ट के बारे में देखिए, ज्यूरिसडिक्शन का न्यायिक क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र है, वही चीज दी है। गुवाहाटी जैसे अरुणाचल प्रदेश असम नागालैंड मिजोरम, अगर आपने सही से पढ़ा है तो पहले भी मैंने इस वीडियो में पढ़ा है, लेकिन आपको मैं फिर से यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देती हूँ, बॉम्बे महाराष्ट्र, गोवा दादर, नागर हवेली दमनदीव, कलकत्ता वेस्ट बंगाल, अंडमान एवं निकोबार आइसलैंड, ठीक है। इसके बाद देखते हैं केरला में, केरला जो इसका आधिकारिक क्षेत्र है, लक्षद्वीप भी है, मद्रास में तमिलनाडु है, ठीक है। इसका पुडुचेरी पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ है उसका आधिकारिक क्षेत्र। चलिए देखिए अब क्या है, हाई कोर्ट्स एंड उनके बेंचेस, यानी कि अब इसमें देखेंगे कि उच्च न्यायालय के और उनके न्यायपीठ कहां कहां पर है। जैसे यहां पर फॉर एग्जांपल जैसे उनके बेंचेस, न्यायपीठ बोल सकते हैं, बेंचेस कहां कहां पर, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का बेंच कहां है, लखनऊ में, बॉम्बे हाई कोर्ट का, नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है यहां पर दिया गया ताकि आप एक बार रिकॉल कर सकेंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट पोर्ट जो ब्लेयर है और वहां पर है, और जलपाईगुड़ी जो है वहां पर ही इसमें जो है इसका न्यायपीठ है। गुवाहाटी हाई कोर्ट कहां पर आप देखेंगे, इसकी बेंच कहां पर है, कोहिमा आइजोल और ईटानगर में है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बेंच कहां पर, ग्वालियर इंदौर में, मद्रास हाई कोर्ट मदुरई में है, इसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में है इसका बेंच। चलिए हाई कोर्ट विच मेन बेंच इज नॉट सिचुएटेड इन स्टेट कैपिटल, दैट मींस यहां पर क्या दिया गया है, जो हाई कोर्ट है जिनके प्रधान पीठ राज्यों की राजधानी में स्थित नहीं है, समझ पा रहे हैं, हाई कोर्ट विच मेन बेंच इज नॉट सिचुएटेड इन स्टेट कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट जैसे छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट का मेन बेंच कहां है, इसका बिलासपुर में है, ठीक है। इसके बाद गुजरात का आप देखेंगे मेन बेंच कहाँ है, अहमदाबाद में, केरला का कोच्चि में है, मध्य प्रदेश का जबलपुर में है मेन बेंच उसका जो बेंच है, उड़ीसा का कटक में है, राजस्थान का जोधपुर में है मेन बेंच इसका, और उत्तराखंड का नैनीताल में, उत्तर प्रदेश का अलाहाबाद में है, समझ रहे हैं आप। अच्छे से रिवाइज करते रहिए चीजों को, ऑनेस्टली अपने प्रति ईमानदारी रखिए, क्योंकि देखिए हमारा कुछ नहीं जाएगा, हम आप नहीं तो कोई और से इसका लाभ उठा के ले जाएगा। अगर आपको सेलेक्ट होना है, जेन्युइनली सेलेक्ट होना है, तो मेहनत करिए हमारे साथ साथ, जितनी हम मेहनत करें उससे दुगनी मेहनत आप करिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे जब आपका रिजल्ट आए, तो हमें भी अच्छा लगे कि हाँ भाई हमारा भी आपके जो रिजल्ट में है कुछ थोड़ा सहयोग हो सका है कि अच्छे आने में, ठीक है। तो इसी तरह की आशा करती हूँ, एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे देखते हैं, यूनियन टेरिटरीज हाई कोर्ट की बात की जा रही है, केंद्र शासित प्रदेश और उनके हाई कोर्ट्स की बात की जा रही है, जो यूनियन टेरिटरीज है उनके हाई कोर्ट्स कहां कहां पर कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अंडमान निकोबार आइसलैंड का कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है। इसके बाद देखेंगे लक्षद्वीप का जो है वो केरला हाई कोर्ट है, पुडुचेरी मद्रास हाई कोर्ट, दादर एवं नागर हवेली दमन दीव बॉम्बे हाई कोर्ट, चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। समझ आ रहा है यहां पर, जो कि यहां पर सारी चीजें लिखी गई हैं। आइए चलिए सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू हाई कोर्ट्स की बात की गई, यानी कि उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, ठीक है। फैक्ट्स है तो फटाफट हम देखते हैं एक नजर में, जैसे भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है वो 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, और इससे पहले आप देखेंगे विच हैड द फंक्शन फ्रॉम 1937 to 1950, यानी कि इससे पहले 1937 से 1950 तक भारत की संघीय अदालत ही कार्यरत थी यहां पर। द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज द चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस, यहां पर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या न्यायमूर्ति और 33 अन्य न्यायाधीश थे। यहां पर आप देखते हैं कि
सुप्रीम जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन होल्ड ऑफिस अप टू द मैक्सिमम एज ऑफ 65 ईयर्स। अभी मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाया था कि 65 वर्ष की अधिकतम आयु तक का पद धारण कर सकते हैं। भारत में हाई कोर्ट्स की जो कुल संख्या है वो 25 है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे इसमें देखेंगे कि तीन जो हाई कोर्ट्स हैं उनका उद्घाटन संबंधित राज्यों की राजधानी में इस प्रकार हुआ है, जैसे मेघालय और मणिपुर हाईकोर्ट, ठीक है, यहां पर लिखा है मेघालय एंड मणिपुर हाईकोर्ट। इसके बाद हम देखते हैं कि त्रिपुरा हाईकोर्ट, ठीक है, त्रिपुरा हाईकोर्ट एंड इंडिया रिस्पेक्टेड स्टेट कैपिटल्स, ठीक है, उसी के जो है वो आंध्र प्रदेश क्या लिखा गया है, त्रिपुरा उच्च न्यायालय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को अमरावती में स्थापित हुई थी। यहां पर वही चीज है कि द हाईकोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश स्टार्टेड फंक्शन एट अमरावती फ्रॉम 1 जनवरी 2019। देखिए यहां पर क्या दिया गया है कि भारत में सबसे पुराना जो हाईकोर्ट है ना कलकत्ता हाईकोर्ट है, ध्यान रखिएगा, द ओल्डेस्ट हाईकोर्ट इन इंडिया इज द कलकत्ता हाईकोर्ट विच वॉज सेटअप 1 जुलाई 1862। It is one of the three chartered high courts to be set up in India along with the high courts of Bombay, Madras, ठीक है, उस टाइम बॉम्बे बोला जाता था, कलकत्ता, बम्बई, बम्बई और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में हुई थी, ऊपर बताया, ठीक है। इसके बाद हाई कोर्ट्स के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु कितनी चाहिए होती है, 62 ईयर्स चाहिए होती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या बताया था मैंने, 65 चाहिए होती है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, द फर्स्ट पर्सन टू बी अपॉइंटेड टू इम्पोर्टेंट पोस्ट इन इंडिया, दैट मीन्स भारत में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति होने वाले प्रथम व्यक्ति, तो फर्स्ट पर्सन लिखा है ना यहाँ पर, तो फर्स्ट पर्सन के बारे में चलिए पढ़ते, कौन कब कहां पर फर्स्ट पर्सन जो है नियुक्त किया गया था। फर्स्ट पर्सन की बात मतलब समझ रहे, जो जैसे क्या हुआ था कि जैसे भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो द फर्स्ट पर्सन टू बी अपॉइंटेड टू द इम्पोर्टेंट पोस्ट इन इंडिया, चलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्ण हो गए, देखिए फिर इसका फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल हो गए, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर जॉन मथाई हो गए, डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह हो गए। इसके बाद आप देखेंगे इस पे, ठीक है, देखिए फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, सरदार बलदेव सिंह थे। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कौन थे, आर के शनमुगम शेट्टी थे, ठीक है। फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी थे। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंडियन की बात की गई है ना, फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया में लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, हरिलाल जे कानिया थे, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट लोकपाल कौन थे, पिनाकी थे। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, सुकुमार सेन थे। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर वजाहत हबीबुल्लाह थे। इसके बाद आप देखते हैं अटॉर्नी जनरल कौन थे, फर्स्ट एमसी सेतालवाद थे। देखिए जब हमने अटॉर्नी जनरल रिवाइज किया था ना, कौन का किसका कितना टेन्योर था वो सब यहाँ पर भी चीजें दी गई है ना। फर्स्ट चीफ एयर स्टाफ कौन थे, एयर मार्शल थॉमस थे। इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया कौन थे, जनरल बिपिन रावत थे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स देखेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग आपके जो एग्जाम्स आ रहे हैं, रिगार्डिंग योर कमिंग सून एग्जाम्स, ठीक है। तो द कंस्टिट्यूंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन विच विजिटेड इंडिया इन 1946, यानी कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसने 1946 में इसका भारत में जो है दौरा किया था। इसके बाद देखते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी, ठीक है। फिर देखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा वॉज इलेक्टेड प्रोविजन चेयरमैन ऑफ द असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेटर बिकेम द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतवर्ष को एक संप्रभु और तंत्र घोषित करने और उसके भावी आने वाले शासन के लिए एक संविधान एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए दृढ़ संकल्प के उद्देश्य से एक उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यहां पर देना ड्रॉ फॉर हर फ्यूचर गवर्नेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन किसने, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने, ध्यान रखिएगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लुक ऑलमोस्ट थ्री इयर्स टू कंप्लीट इट्स हिस्टोरिक टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए कितना समय लगा था इसमें भारतीय संविधान में जो है उसका मसौदा तैयार करने के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का मसौदा तैयार करने के लिए, इसमें ध्यान दीजिएगा जैसे 3 साल लगभग, यहाँ पर देखिए 3 इयर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें 2 साल 11 मंथ्स और 7 डेज की यहाँ पर बात की गई है। डायरेक्टली ये देखिए पीसीएस में ना डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है, एक्जैक्टली यही पूछता है, सेम लाइन है जो इंपॉर्टेंट हो जाती है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड 11 सेशंस कवरिंग टोटल 165 डेज, आपको 11 सत्र मैंने पढ़ाए हैं इसमें, ठीक है। इंडिया इज गवर्न इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, विच वॉज द लास्ट डे ऑफ द 11th सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
चलिए फिर इसमें आगे देखते हैं. दिस डेट फाइंड्स मेंशन टू द इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन आर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949. देखिए इसमें बेसिकली क्या कहा गया है कि इसमें ये जो तिथि का उल्लेख भारतीय संविधान की उद्देशिका में इस प्रकार मिलता है कि संविधान सभा में जो तारीख थी 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करता है, वही चीज यहां पर मेंशन की गई है. तो इसमें क्या है, फिर इसके बाद आप देखते हैं 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि माननीय सदस्यों ने संविधान पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे. इसके बाद देखते हैं 26 जनवरी 1950 को यहां पर क्या हुआ था, भारत का संविधान प्रभावी हुआ और उस दिन संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हुआ. इसके बाद 1952 में नई संसद के गठन होने तक अंतरिम संसद का कार्य किया गया. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली 6 दिसंबर 1946, इसमें संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द असेंबली 9 दिसंबर 1946 पड़ा है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच इज अ बॉडी ऑफ पॉपुलरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव असेंबल्ड फॉर द पर्पज ऑफ ड्राफ्टिंग और अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 9 दिसंबर 1946. दैट मीन्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, तो संविधान सभा जो जनसाधारण द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक निकाय था, ठीक है, जो संविधान का मसौदा तैयार करने और उसे अपनाने के उद्देश्य से इकट्ठे हुए थे. और इसलिए इसकी पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी. बार बार मैं रिपीट कर रही हूं, पढ़ाया बीएससी मैंने ऊपर. ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो अध्यक्ष यहां पर नियुक्त किया गया था, वही चीज यहां पर लिखी गई है. इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट लॉयर स्कॉलर ऑफ इंडिया वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनको जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना गया था. प्रोपोजिशन एंड अडॉप्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव की बात की थी ना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आया था, जो उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करना. ठीक है, इसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड का वो तो 22 जुलाई 1947 को, वही सब चीजें मैंने इसमें आपको नेशनल फ्लैग के बारे में अभी ऊपर बताया था. तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था और 15 अगस्त 1947 को भारत को प्रभुत्व का आधिकारिक ध्वज बन गया था. और इस ध्वज में क्या क्या शामिल है वो सब मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ. चलिए जल्दी से हमारे जो ग्रुप है इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर. ठीक है, और इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल को सब्सक्राइब करें, सर्च करें और सब्सक्राइब करें, और जल्दी से जल्दी जितने नोटिफिकेशन है सबको आप देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं सारी वीडियोस को. इंडिपेंडेंट इंडिया यहां पर किसकी, स्वतंत्र भारत 15 अगस्त 1947 में, इसी दिन ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता भारत को सौंपी गई थी और ये अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के व्यापक सहयोग से संभव हो पाया था, जिनके प्रयासों ने क्या किया था कि भारत की आजादी को एक वास्तविकता रियलिटी में बदल दिया था, जो कि उस समय पे बड़ी ही मतलब अनरियलिस्टिक चीजें थी, लेकिन देखिए इतनी मेहनत के बाद हमारा जो देश है वो स्वतंत्र हुआ था और इस आजाद देश में आज हम यहाँ पर सब स्वतंत्र है, किस तरह से हर तरीके से हम स्वतंत्र हैं यहाँ पर. तो चलिए ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं आगे. इसमें क्या दिया गया, मसौदा समिति की बात करें यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 में संविधान का मसौदा जो है विभिन्न जातियों क्षेत्र धर्म इत्यादि के 299 प्रतिनिधियों के द्वारा तैयार किया था, जिसमें महिला और पुरुष यानी कि फीमेल्स और मेल्स दोनों ही शामिल थे. लिखा है ना इसमें, देखिए कौन कौन सा इसमें लिखा गया है कि कास्ट रिलीजन जेंडर एक्सेट्रा द ड्राफ्टिंग कमिटीज इट्स मेंबर्स वर वेरी इन्फ्लुएंशियल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ड्यूरिंग द कमेटी स्टेजेस एंड द डिलिब्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की यहां पर बात की गई है. इस मसौदा समिति और उसके सदस्य जो भारतीय संविधान के निर्माण में समिति से के विभिन्न चरणों में और संविधान सभा के विचार विमर्श के दौरान काफी प्रभाव रखते थे, यहां पर ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बात की जा रही है. इसके बाद भारत का संविधान पारित किया गया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज पास्ड एंड अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949. द डे इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन डे एंड द नेशनल डे नेशनल लॉ डे इज अ सेलिब्रेटिंग कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दिस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली केम इन टू इफेक्ट 26 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 में आप देखेंगे क्या है. फिर यहाँ पर क्या लिखा गया है कि ये संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुई. वहीं देखते हैं कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी, लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 24 जनवरी 1950, लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें कितने 395 आर्टिकल 8 अनुसूची और 22 भागों में इसको जो है बांटा गया. इसके बाद देखते हैं इसमें हस्ताक्षर किए गए, सभी ने इसको स्वीकार कर दिया था. एंड कॉन्स्टिट्यूशन कम इन टू द फोर्स 26 जनवरी 1950, द कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 को रिप्लेस करके कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 जनवरी 1950 जो है यहां पर क्या बोला गया है, किसको रिप्लेस करने की बात कर रहा है. यहां पर लिखा ना भारत शासन अधिनियम का स्थान लिया किसने, संविधान ने देश के मौलिक शासी दस्तावेज के रूप में 1935 जो एक्ट था उसका स्थान लिया और भारत का प्रभुत्व भारतीय गणराज्य बन गया. यहां पर लिखा है ना डॉक्यूमेंट एंड द डोमिनियन ऑफ इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया. फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 से 52 के बीच में आपको देखने को मिलते हैं, मैंने पढ़ाया है ऊपर.
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस एंड रेजिग्नेशन यहाँ पर दिया, यानी कि पद की शपथ क्या है, किसके द्वारा ली जाती है, उसके द्वारा कौन नियुक्त किया जाता है, किसके समक्ष जो है नियुक्ति किसकी होती है, उसके समक्ष किसके समक्ष वो ओथ लेता है, ये सब सेरेमनीज की यहाँ पर बात की गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रेसिडेंट है तो उनकी नियुक्ति होती है तब वो किसके समक्ष ओथ लेते हैं, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, और उसकी अनुपस्थिति में अगर वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है उनके सामने ये ओथ सेरेमनी होती है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति है उसके बिहाफ पे जो है उस व्यक्ति के सामने जो है वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति होगी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय द प्रेसिडेंट, समझ रहे हैं आप इसका मतलब कि राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा इस निमित्त नियुक्ति की नियुक्त जो कोई व्यक्ति होगा उसके समक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो ओथ लेंगे, ठीक है, उनके समक्ष वहां पर पद की शपथ लेंगे। गवर्नर राज्यपाल जो होता है वो कब, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और इन हिज एब्सेंस सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कोर्ट, मिनिस्टर ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, केंद्र के मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ओथ लेते हैं। इसके बाद देते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर, ऑडिट जर्नल, ऑडिटर जर्नल जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड एट द बिहाफ बाय द प्रेसिडेंट, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय द प्रेसिडेंट, सेम वही चीज की राष्ट्रपति है उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा वो व्यक्ति उसके सामने जो है वो यहाँ पर ओथ लेंगे, ये जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, राज्य के जो मंत्री परिषद, राज्य के तो विधानमंडल के सदस्य हैं उसमें राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा इस निमित्त नियुक्ति में कोई व्यक्ति होगा उसके समक्ष ये ओथ लेंगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इसमें गवर्नर के सामने ये ओथ लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की जा रही है यहाँ पर। जजेस ऑफ हाई कोर्ट, देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल या फिर राज्यपाल द्वारा जो नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति उसके समक्ष जो है वो ओथ सेरेमनी उनकी ओथ होगी। ठीक है, आइए देखते हैं सबमिशन ऑफ रेजिग्नेशन, यहाँ पर इसका मतलब रेजिग्नेशन मतलब त्याग पत्र से बात है कि कौन जो है किसके त्याग पत्र का संबोधन देता है, कौन किसके त्याग पत्र का संबोधन देता है। जैसे राष्ट्रपति हो गए उनको जैसे त्याग पत्र दे तो किसके समक्ष किसको संबोधित करके देंगे, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, वही आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, चलिए इस पर देखते हैं सबमिशन ऑफ रेजिग्नेशन, यानी कि कौन किसके त्याग पत्र का संबोधन देता है, मतलब कि जैसे प्रेसिडेंट है अगर उनको रेजिग्नेशन देना है तो किसको संबोधित करके वो देंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट को संबोधित करके यहां पर देंगे, सबमिट्स रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट सबमिट्स रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर किसके संबोधित करके देंगे, प्रेसिडेंट को। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो भी प्रेसिडेंट को संबोधित करके अपना रेजिग्नेशन त्याग पत्र यानी कि देंगे। गवर्नर, वो भी प्रेसिडेंट को संबोधित करके। जजेस ऑफ हाई कोर्ट, वो भी प्रेसिडेंट को संबोधित करके अपना रेजिग्नेशन देंगे। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष, ध्यान दीजिए लोकसभा स्पीकर यहाँ पर कह रहा है ना, यहाँ पर देखिए किसकी बात कर रहा है, लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है, या माफी चाहती हूँ यहाँ पर ना एक्चुअली में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पर देखेंगे जो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो यहाँ पर जो है वो एक स्वैप हो गया, एक्चुअली यहाँ पर ये होना चाहिए था, जो हमारे लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करके त्याग पत्र देते हैं। क्लियर हो गया। डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, इसमें चेयरमैन को संबोधित करके देते हैं त्याग पत्र। मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, चेयरमैन ऑफ अपर हाउस और द स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस, दैट मीन राज्यसभा सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करके त्याग पत्र देते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष कैसे देते हैं, डिप्टी स्पीकर ऑफ द असेंबली, विधानसभा के उपाध्यक्ष को जो है संबोधित करके देते हैं यहाँ पर वो त्याग पत्र। इसके बाद देखेंगे लोक सेवा आयोग, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, वो प्रेसिडेंट को संबोधित करके अपना त्याग पत्र अपना रेजिग्नेशन देते हैं। वही राज्य आयोग में भी है, जो स्टेट कमीशन है मतलब कि जो लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं वो भी राज्य के राज्यपाल को, ध्यान दीजिए जब बात यूपीएससी के कमीशन की आ रही है उसमें जो है वो किसको देंगे, प्रेसिडेंट को संबोधित करके त्याग पत्र देंगे उनके सदस्य। जब बात लोक सेवा आयोग की आती है तो वहां पर राज्य के राज्यपाल को संबोधित करके वो रेजिग्नेशन देते हैं। क्लियर है। इसमें देखिए मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू इंपॉर्टेंट पोस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट मींस भारत संविधान में जो महत्वपूर्ण पद है ना उस पर जो लोग नियुक्त हैं उनकी न्यूनतम और अधिकतम आयु की सीमाएं क्या होगी, मिनिमम और मैक्सिमम की बात करता है, कितनी किसकी एज होगी तब वो जो है वो वहां पर चयनित हो सकता है, उसको जो है वहां पर नियुक्ति हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मिनिमम एज फॉर इलेक्शन ऑफ द पोस्ट प्रेसिडेंट 35 ईयर्स, एज लिमिट उनकी कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए नियुक्ति के लिए। इसके बाद देखेंगे ये जो प्रावधान दिया गया है ना वो आर्टिकल 58(1)(b) के अंतर्गत दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में, मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ, अच्छे से पढ़िए इसको। इसके बाद देखिए प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी चयनित होने के लिए उनकी नियुक्ति की कितनी एज चाहिए, उनके लिए भी 35 चाहिए, और ये आपको आर्टिकल 66 के 3(3)(b) में आपको देखने को ये प्रावधान प्रोविजन मिलेगा। गवर्नर के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, इलेक्शन ऑफ द पोस्ट के जो गवर्नर है यानी कि राज्यपाल के पद के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 35 ईयर्स से आर्टिकल 157 में आपको देखने के मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे
यहाँ पर क्या लिखा है कि इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, एमपी की यानी कि संसद सांसद की बात कर रहा है ना, तो लोकसभा में यहाँ पर जो मिनिमम एज ऑफ इलेक्शन ऑफ एमपी यानी कि यहाँ पर एमपी की बात कर रहा है, सांसद की बात कर रहा है, तो लोकसभा में जो है उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स होनी चाहिए। आर्टिकल 84B के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया, मिनिमम एज ऑफ द इलेक्शन ऑफ एमएलए 25 ईयर्स आर्टिकल 173B के अंतर्गत दिया गया है। एमपी जो इलेक्शन ऑफ एज मिनिमम एज फॉर इलेक्शन एज एमपी राज्यसभा 30 ईयर्स चाहिए, किसके लिए चाहिए, सांसद के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए, 30 ईयर्स चाहिए, और आर्टिकल 84B में ये प्रोविजन दिया गया है। मिनिमम एज ऑफ एमएलसी 30 ईयर्स चाहिए, आर्टिकल 173B में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज की अपर एज लिमिट, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा कितनी चाहिए, 65 ईयर्स चाहिए, और 124(2) में ये प्रोविजन दिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद अपर एज लिमिट ऑफ लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर ऑफ अ यूनियन कमीशन, इसमें संघ आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, 65 ईयर्स, और 316(2) में आपको देखने को मिलेगा। इसमें हाईकोर्ट के जजेस के लिए अपर एज कितनी चाहिए, 62 ईयर्स, आर्टिकल 217(1) में दिया है। ये सब इंपॉर्टेंट होते जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा, मिनिमम एज फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ पंचायत 21 ईयर्स, और 343(f)(1)(a) में ये दिया गया है। पंचायत से देखिए कहीं पर भी क्वेश्चन आए बिल्कुल उसे आंख बंद करके बहुत अच्छे से, नहीं आंख खुली रखिए, उसे बहुत अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि आंखें खुली रहेंगी तो गड़बड़ी नहीं होगी। मिनिमम एज फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ म्यूनिसिपलिटीज यानी कि नगर पालिकाओं के सदस्य के रूप में चुने गए के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 14 ईयर्स ओनली, ठीक है, आर्टिकल 24 में इसको दिया गया है। इसका मिनिमम एज फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ वोटर यानी कि एक क्या दिया गया है कि इसमें मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, कब हुआ था संशोधन, इसके बाद 18 ईयर्स कर दिया गया था, जल्दी से हमें अपना कमेंट बॉक्स में बताइए। 326 में इसको मेंशन किया गया, एज बिटवीन विच एजुकेशन हैज बीन मेड अ फंडामेंटल राइट, देखिए जिस आयु के बीच शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21A किस अमेंडमेंट के द्वारा यहां पर हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप हमें। चलिए अब इसमें क्या दिया गया, इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण समय सीमाएं दी गई हैं, ठीक है, इसमें मतलब किसका जो है सत्रों के बीच के एक टाइम पीरियड की बात की गई है, जैसे इसमें दिया गया है मिनिमम मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट स्टेट असेंबली इज 6 मंथ, यानी कि संसद या राज्यसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का होता है। इसके बाद देखते हैं मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डिनेंस इज 6 मंथ एंड 6 वीक्स, एन ऑर्डिनेंस विल एक्सपायर आफ्टर 6 वीक्स वंस ऑल हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर इन सेशन, ठीक है। राष्ट्रपति की मृत्यु पद त्याग पद से हट जाने के कारण क्या होता है, उनकी रिक्तता को भरने के लिए निर्वाचन करने की अधिकतम अवधि कितनी होती है, 6 मंथ्स की होती है, ठीक है। फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की अधिकतम अवधि 6 महीने से 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें लिखा ना कि देखिए 6 मंथ एक्सटेंडेबल अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स, यहाँ पर बात की गई किसकी, प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहा है यहाँ पर। आफ्टर 14 डेज विच मनी विल पास्ड वाई लोकसभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड वाई द राज्यसभा व्हेन नो एक्शन इज टेकन बाय इट, यहाँ पर क्या बोला गया है कि देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो इसके बाद देखेंगे जो 14 दिन के बाद, माफी चाहती हूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है कि 14 दिन के उपरांत जो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक है अगर कोई कार्रवाई नहीं होने पर राज्यसभा द्वारा उसे पारित माना जाएगा, क्लियर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की यहाँ पर क्या बात की गई, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर में होल्ड हिज ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स हिज ऑफिस इज 5 ईयर्स, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जो पद ग्रहण की तारीख से पद पर बने रहने की अधिकतम अवधि कितनी है, 5 ईयर्स है, ठीक है। इसके बाद अब देखेंगे इसमें क्या आपात की घोषणा की पर बात की, ध्यान दीजिए, वेयर इज द टर्म ऑफ लोकसभा, हाँ देखिए मैक्सिमम पीरियड ऑफ विच इज टर्म ऑफ लोकसभा स्टेट लेजिस्लेचर मे बी एक्सटेंडेड वाइल प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज ऑपरेशन 1 ईयर एट अ टाइम, यहां पर क्या होता है कि ध्यान दीजिएगा कि आपात की घोषणा के दौरान अधिकतम 1 साल में एक बार के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। वहीं पर दूसरा कह रहा है वेयर द टर्म ऑफ अ लोकसभा यानी कि यदि लोकसभा राज्य विधानमंडल की अवधि आपात की घोषणा के दौरान बढ़ा दी गई है तो आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में न रह जाए तो इसके लिए क्या होता है लोकसभा राज्य विधानमंडल की अधिकतम अवधि 6 महीने में कर दी जाती है, यहाँ पर वही चीज यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच अ यूनियन मिनिस्टर स्टेट मिनिस्टर मे होल्ड हिज ऑफिस विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ एदर ऑफ अ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर इज 6 मंथ। फिर इसके बाद देखिए इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, यानी कि आपातकाल के टाइम पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपातकाल के समय में क्या होता है कि इसमें लोकसभा की अवधि को 1 साल तक के अंतराल के लिए एक क्रमिक रूप में बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जब इमरजेंसी की कंडीशन होती है उसको रद्द करने के बाद 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए, यही चीज यहां पर बात की गई है, ठीक है। 60 डेज मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ फॉर विच अ मेंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मे बी असेंट विदाउट परमिशन बिफोर हिज सीट इज डिक्लेयर्ड इज वैकेंट, यानी कि आप क्या देखेंगे इसमें क्या होता है कि संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित हो सकने की अधिकतम अवधि क्या है, 60 डेज है,
60 डेज है, ठीक है, अदरवाइज उसको जो है उसके स्थान को क्या है रिक्त घोषित कर दिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें किसकी बात करा है कि देखिए आर्टिकल यहाँ पर क्लॉज टू, आर्टिकल 22 क्लॉज टू उसका क्या कहता है, खंड टू, कि हर व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है और वो हिरासत में अगर रखा गया, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन द पीरियड 24 आवर्स फॉर सच अरेस्ट excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the set period without the authority of magistrate. ठीक है, यहाँ पर basically यही बात है कि 24 घंटे के अंतर्गत जो अंदर अंदर है क्या होता है उसमें, देखिए इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं कि जो हर व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया या हिरासत में रखा गया है तो गिरफ्तारी के स्थान से क्या होता है यात्रा के लिए जब उसको समय लेके जा रहा है तो उस समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी को 24 घंटे की अवधि के भीतर ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अब यहां क्या कह रहा है कि मजिस्ट्रेट की अदालत और ऐसी किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के अधिकार के बिना जो अवधि ऊपर दी गई है, जो टाइम पीरियड दिया गया, उससे अधिक हिरासत में नहीं रखा जाएगा। और वो अवधि क्या है, 24 आवर्स की बात करता है, यानी कि वन डे की बात करता है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं यहां पर 6 years is maximum duration for which a member of the state commission may hold his office subject to his not attaining the age of 62 years, यानी कि संघ आयोग के सदस्य की अपने पद धारण करने की अधिकतम अवधि क्या है वो यहाँ पर दिखाया गया है, कितनी है, 62 years है। ठीक है, और मैक्सिमम उसमें 6 वर्ष के लिए इसको जो है अवधि की गई है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर आप आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे क्या कह रहा है, चेयरमैन ऑफ वेरियस कमिटीज इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज की बात कर रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, संविधान सभा की विभिन्न जो समितियां हैं और उनके अध्यक्ष कौन कौन रहे, ये मैंने आपको शायद ऊपर पढ़ाया है। ठीक है, चेयरमैन ऑफ वेरियस कमिटीज बताई थी कौन कौन सी थी, उनके जो अध्यक्ष कौन कौन से थे। चलिए ठीक है, यहाँ पर आया है तो थोड़ा पढ़ लेते हैं भाई, सामने आया तो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हाउस कमेटी जैसे आप देखेंगे, आवास समिति का अध्यक्ष कौन रहे हैं, बी पट्टा बी सीतारमैया रहे हैं। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के जो है अध्यक्ष कौन है, के एम मुंशी रहे हैं। अडॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग के जो है वो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, अडॉक मतलब समस्ती कमेटी क्या, तदर्थ समिति की बात करता है, कौन रहे अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं। कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जी मावलंकर रहे हैं। ठीक है, स्टेट कमिटीज के जो राज्य संबंधी समिति है उसके जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहे हैं। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज के कौन रहे, वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। माइनॉरिटी सब कमेटीज के कौन रहे हैं, यानी अल्पसंख्यकों के उप समिति के अध्यक्ष कौन है, HC मुखर्जी हैं यहाँ पर। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटीज के फंडामेंटल जो मौलिक अधिकारों के संबंधी उप समिति है, JV कृपलानी रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटीज के गोपीनाथ बरवोली जो है वार्दोलोई है वो इस समिति के जो है अध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, जैसे संघीय शक्ति से संबंधित जो कमेटीज है जवाहरलाल नेहरू उसके वो रहे हैं। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी इंपॉर्टेंट है, देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के BR अम्बेडकर जी रहे हैं। अध्यक्ष कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ द प्रोसीड्यूर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। स्टीयरिंग कमेटी भी राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, बड़ा बड़ा लिख देती हूँ इसमें। फाइनेंशियल स्टाफ जो कमेटी उनके भी राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। और इसमें क्रेडेंशियल रहे हैं, यानी कि इसके किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिये प्रत्यय पत्र जो संबंधित समिति होती है ना उसके कौन रहे, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर रहे हैं उसके अध्यक्ष, क्लियर हो गया है। चलिए